यार तो देखो, पहले मैं गया ब्लू लेन से, फिर गया पिंक लेन में, अभी आया हूँ रेड लेन पे। तीसरी मेट्रो है, लगभग 2 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन 3 बजे ही है। तो देखते हैं टाइम पे स्टेशन पहुँच पाएंगे, ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा वो आगे पता चलेगा। तो मेरी ट्रेन तो छूट गई है और अब मुझे पैदल पैदल आगे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अभी भी सब कुछ एक तरफ और वेटिंग टिकट कन्फर्म होने की खुशी एक तरफ। तो हाँ, मेरा वेटिंग टिकट कन्फर्म हो गया है। मैं अभी हूँ दिल्ली में और दिल्ली से कहाँ जा रहा हूँ ये आपको आगे इसी ब्लॉग में पता चलेगा। तो दिल्ली में मैं आया था अपने भाई से मिलने, भाई के साथ 2 दिन घूमा, फिर रोडीज का ऑडिशन दिए हम लोग। सारे ब्लॉग्स डल चुके हैं, चैनल पर जाके चेक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले जो ये बटन था वो थोड़ा डार्क होकर काला हो गया, तो वाला बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन पे ऑल सेट कर दें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी चल रहा है अप्रैल और मेरे 90 व्लॉग चैलेंज का व्लॉग 86। तो पिछले 3 दिन से मैं और भाई फुल टू मस्ती किए, ऑडिशन दिए, दिल्ली घूमे, और अब मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि भाई को यहाँ पे काम है, मेरे को वहाँ पे काम है। तो अभी जो गैप हुआ था वो 3 से 4 महीने का हो गया था। हम मिले थे जनवरी में और फिर उसके बाद अभी मिलने का मौका मिला, और पता नहीं फिर कब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। और जब भी मिलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, ब्लॉग बनेंगे सारे। तो मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा, मैं अभी तो नहीं बताने वाला। फिलहाल भाई मेरे को छोड़ने जा रहा है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से मैं पकड़ूंगा मेट्रो और एक आध मेट्रो चेंज करके अपन पहुँचेंगे दिल्ली सराई रोहल्ला स्टेशन, वहाँ से मेरी ट्रेन। और कहाँ जा रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। ये हो गया अपना ब्रेकफास्ट, चाय, रायता और आलू के पराठे। तो अभी भी हमारा बिरादर से मिलो कभी भी, ठीक है, चलते हैं भाई। भाई 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 हबीबी। तो रास्ते में ले जाने के लिए आलू के पराठे पैक करवा रहा हूँ। भैया मस्त आलू के पराठे बना रहे हैं, बड़े बड़े साइज के। अपनी जर्नी थोड़ी रात तक की है तो काम चल जाएगा अपना। भयानक बड़े बड़े और ज़ोरदार आलू के पराठे दिख रहे हैं, तो इसको पैक कराना है डब्बे में क्योंकि ट्रेन में लेके जाना है। तो बटर लगा के कटिंग करवा रहे हैं और फिर ट्रेन में आराम से खाते खाते जाऊँगा। तो रास्ते के लिए आलू पराठा पैक हो गया है, अब सोच रहा हूँ बनाना शेक पी लेते हैं क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैं, वैसे कर चुका हूँ। तो बनाना चेक पीऊँगा, निकल लूँगा, ये बनाना चेक पी के मेरे को छोड़ के चल देगा मेट्रो स्टेशन से, जस्ट यहीं पास में ही है, 5 मिनट वॉक करके पहुँच जाएंगे। तो हमें डाउट था कि बनाना चेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन दुकान खोली अपने को बनाना चेक पीने मिल जाएगा, 2 बनाना शेक विद आइसक्रीम। तो 5 मिनट में अपना बनाना शेक बन के रेडी है, इसके एक एक पैक लगाते हैं और अपने अपने रास्ते जाते हैं। तो कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि हम लोग फिर कब मिलेंगे, जस्ट अ गेस ऑफ मंथ्स, मतलब 2 महीने 3 महीने के टाइम के बाद आपको क्या लगता है। तो जस्ट मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन और मैं जा रहा हूँ मेट्रो पकड़ के रेलवे स्टेशन, और भाई जाएगा वापस अपने रूम। मिलते हैं बाद में, कहूँ चल भाई भाई जल्द ही मिलेंगे। तो भाई को छोड़ के जाने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं हमेशा भाई के साथ ही रहता। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कर नहीं सकते उसका। चलते हैं मेट्रो पकड़ते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। अभी बनाना शेक की डकार आ रही है, तो अभी 3 मेट्रो पकड़नी है। पहली मेट्रो यहाँ से मयूर विहार, फिर मयूर विहार से कोई और लोकेशन है वेलकम करके वहाँ, फिर वेलकम से अपने जाना है प्रताप नगर, प्रताप नगर से उतर के वॉक करना है और जाना है रेलवे स्टेशन। ट्रेन है 3 बजे और अभी बज चुके हैं लगभग 12:30 या 1, तो 2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचना है और टाइम लगेगा। तो मेट्रो स्टेशन में पहुँच गया हूँ, चलते हैं प्रताप नगर के लिए, टिकट कटाते हैं, मतलब कि टोकन लेते हैं। लेकिन उससे पहले चीरहरण भी तो कराना है, मतलब चेकिंग करानी है। तो अभी अभी अपन ने खुजा सिमसिम वाले गेट से एंट्री कर ली है, चलते हैं मेट्रो पकड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बुरा लग रहा है थोड़ा जाने में, लेकिन जाना तो पड़ेगा मेरी जान। तो यहाँ से पकड़नी है अपने को अपनी पहली मेट्रो, निकलना है मयूर विहार, और पीछे मेरे पक्का मेट्रो आते हुए दिख रही होगी, आई कैन गेस। तो मैं पहुँच गया हूँ मयूर विहार स्टेशन, अब यहाँ से मेरे को मेट्रो चेंज करनी है, पकड़नी है पिंक लेन, जाना है वेलकम। पता नहीं स्टेशन का नाम वेलकम क्यों रखे, ये 2-2 3-3 तरफ गेट देखे ना, ऑलरेडी कन्फ्यूज़ कर देते थोड़ा सा। अच्छा है कि अब गूगल है तो सब चीज़ मिल जाती है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता तो मैं पहले बहुत घूम चुका हूँ इधर, और बहुत घूम जाता था मैं, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब तो कहाँ जाना था कहाँ निकल रहा था कुछ आइडिया नहीं था, उल्टा मेरे टिकट के पैसे एक्स्ट्रा लग गए थे क्योंकि यहाँ पे शायद टाइम बेस्ड, और कौन से प्लेटफॉर्म से आप घुसते हो और कहाँ से निकलते हो उसके बेसिस पे चार्जेस लगते हैं। तो मैं आ गया हूँ पिंक लेन पे और यहाँ से मुझे पकड़ना है दूसरी मेट्रो जो जाएगी वेलकम स्टेशन तक, मतलब वहाँ से फिर से एक बार चेंज करना पड़ेगा। वैसे मेट्रो है तो अच्छी चीज़ है, देखो मज़ा आती है ट्रैवल करने, मस्त आराम से एसी में बैठो और जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचो, और बहुत कम पैसे में, मतलब सिर्फ मैक्सिमम 50 रुपये लगते हैं अगर आपको बहुत लंबा भी ट्रैवल करना है तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है नो डाउट। लेकिन ये होता है कि अगर आप नए हो और आपको नहीं पता है तो आप थोड़े कंफ्यूज हो गए और बहुत घूम जाने का ऐसा वो रहता है कि यहाँ से वहाँ निकल गए। यार ये 3-3 मिनट में आने वाली मेट्रो, आज 8-10 मिनट हो गए, आ क्यों नहीं रही, मेरी ट्रेन छुटवाएगी क्या? मैं खुद जल्दी निकला हूँ ताकि आराम से जल्दी पहुँच जाऊँ बिना टेंशन के, ट्रेन पकड़ लूँ, तो यहाँ मेरे को वेट करा दे रहे हैं। हो गया लगभग 8-10 मिनट हो गए, अभी तक मेरी मेट्रो नहीं आई। हाँ बोलते साथ आ गई, बोलते साथ आ गई, थैंक यू भगवान जी। कमाल देखो खुल जा सिम सिम,
आमा मियाँ एक बात बताओ, ये स्टेशन का नाम वेलकम कौन रखता है यार? जगह का नाम वेलकम, लोग वेलकम करने के लिए बुलाते लोगों को, जगह का नाम ही वेलकम रख दिया। तो अब यहाँ से एक और लेन चेंज करनी है, पकड़नी है रेड लाइन और जाना है सीधा प्रताप नगर, फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन। यार तो देखो, पहले मैं गया ब्लू लेन से, फिर गया पिंक लेन में, अभी आया हूँ रेड लेन पे। तीसरी मेट्रो है, लगभग 2 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन 3 बजे ही है, तो देखते हैं टाइम पे स्टेशन पहुँच पाएंगे, ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा वो आगे पता चलेगा। आ गई अपनी रेड लाइन वाली लास्ट मेट्रो, भयानक भीड़ चढ़ने के लिए यहाँ से लेके वहाँ तक। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपन पहुँच गए हैं प्रताप नगर, अब यहाँ से जाना है रेलवे स्टेशन। 2 बज रहे हैं, मेन ट्रेन है अपनी 3 बजे, तो टाइम पर्याप्त है और यहाँ से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन है, तो थोड़ा सा पदयात्रा करेंगे और पहुँच जाएंगे। यार दिल्ली मेट्रो को बहुत मिस करूँगा क्योंकि बड़ी मज़े से और बड़े आराम से ट्रैवल होता था। कोई बात नहीं, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि दिल्ली मेट्रो आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो गूगल मैप भी कभी कभी कुछ भी दिखाता है, तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ दिल्ली की गलियों में और जा रहा हूँ सराय रोहिला रेलवे स्टेशन मेट्रो से निकलने के बाद। तो कभी कुछ और दिखा रहा है, कभी कुछ और दिखा रहा है, टोटल 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है और मैंने पदयात्रा चूज़ की है क्योंकि अभी 1 घंटा बचा है और टाइमिंग जो दिखा रही है मैं उसके हिसाब से मैं 25 मिनट पहुँच जाऊँगा। तो मेरे को गूगल के मैप के अकॉर्डिंग भी जाना है, प्लस ये भी देखना है कि थोड़ा और शॉर्टकट मिल जाए तो वहाँ से निकल लेंगे। तो धूप काफ़ी तेज़ है, थोड़ा वॉक करने का डिसीजन मेरे पे भारी पड़ रहा है, लेकिन अपन पहुँचने वाले और सिर्फ गूगल मैप के भरोसे ना रहे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और अपना टाइम एंड एनर्जी बचाएं, क्योंकि बस थोड़ा सा अंदर से एक शॉर्टकट मिल गया जो कि मैप में था लेकिन मैप बहुत घूम के बता रहा था, तो अपन थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे शायद। अब देखो होप सो तो कर रहा हूँ कि सही से पहुँच जाऊँ, अगर ना पहुँचा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखो क्योंकि मेरे पास 30 से 40 मिनट का टाइम है इसलिए मैंने रिस्क लिया है, फ़ोन में दिखा रहा है 20 मिनट, अपन शॉर्टकट मार रहे हैं लेकिन अभी एक रास्ता ब्लॉक था, बलवा दीवार थी तो वहाँ से जा नहीं सकते, घूम के जाना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या मेरी ट्रेन छूट जाएगी, क्या मैं पहुँच पाऊँगा, जानने के लिए ब्लॉग में बने रहें। तो स्टेशन काफ़ी पास में है, मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है और मुझे लगता है कि मैं रेलवे की किसी कॉलोनी में हूँ क्योंकि इधर पूरे क्वार्टर्स उसी टाइप के हैं, रेलवे कॉलोनी टाइप वाले। तो ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया हूँ मैं, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, कहीं ना कहीं से निकल के जाना पड़ रहा है छोटे छोटे गेट से। ये सराय रोहिला रेलवे स्टेशन सीधे। हाँ थैंक यू आंटी, इधर से जाओ, वहाँ प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। वो एक मस्त आंटी मिल गई थी, उन्होंने मेरी हेल्प की, बताया कि रास्ता यहाँ से सीधा सीधा है, वैसे मैप में भी यही दिखा रहा था और बस अपन 5 मिनट ही दूर है यहाँ से, मेरे को साफ साफ दिख रहा है वो ऊपर चढ़ के जाने का स्टेशन पे, और अपन देखते हैं अपनी ट्रेन कौन सी प्लेटफॉर्म पे आएगी और चल के वहाँ बैठेंगे, क्योंकि अभी भी अपने पास पूरे 35 मिनट बाकी हैं। मेरे को यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक आने में मैप दिखा रहा था कि लगेंगे लगभग 35 मिनट और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ सिर्फ 8 मिनट में, और मेरे को हार्डली वहाँ तक जाने में 5 मिनट और लगेंगे, मतलब 15 मिनट में पहुँच गया। जो 35 मिनट टाइमिंग मैप में दिखा रही थी उसको मैंने कवर कर लिया 15 मिनट में। सो अभी भी हमारा ट्रिक फॉलो करो, कभी भी अपना भेजा लगाओ गूगल मैप के भरोसे, कभी ना जाओ लेकिन थोड़ा अपना दिमाग लगा के जाओ, तभी तो अपना टाइम और एनर्जी बचा पाओगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको ऐसा छोटा मोटा एडवेंचर करने मज़ा आती कि नहीं आती, क्योंकि मेरे को तो बहुत आती है। और ये पूरा एरिया मेरे ख्याल से रेलवे का बैकयार्ड है, यहाँ पे सामान की वो लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो धूप में घूम घूम के हालत ख़राब हो गई है और अभी दिखे हैं एक लेमन सोडा वाले भैया, तो लेमन सोडा पीते हैं फिर जाएंगे ट्रेन पकड़ेंगे। आए हाय लेमन सोडा पी के मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया, प्यास बुझ गई। अब ये पीते पीते सिप करते करते थोड़ा थोड़ा वॉक करते स्टेशन पहुँचते हैं। थोड़े अलग टाइप की फीलिंग देता है ये बैकयार्ड वाला एरिया जहाँ पे ये सामान की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, एंड यहाँ पे भी लोग काम करते हैं यार, कितनी मेहनत करते हैं कितने धूप में। सो अगर आपकी लाइफ बेड पे बैठे बैठे या कुर्सियों पर बैठे बैठे जा रही है तो खुशी मनाइए कि आपको इतना धूप में काम नहीं करना पड़ता, आपकी लाइफ फार बेटर है बहुत लोगों से। तो मेरी ट्रेन तो छूट गई है और अब मुझे पैदल पैदल आगे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, क्या करूँ। जोक्स अपार्ट, कोई ट्रेन में नहीं छूटी, मजाक कर रहा था, वो तो जस्ट फॉर ए टीजर। तो सराय रोहिला रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है, अपना बैग चेक हो चुका है, अपन अंदर घुस चुके हैं, चलते हैं चेक करते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है और ट्रेन में बैठते हैं। अरे मालिक पिछले 15 मिनट से खड़ा हूँ, हमारा ट्रेन का नंबर तो डिस्प्ले कर दो, 19338 ट्रेन का नंबर बता दिया हूँ, आप चेक कर सकते हो कि इसका डेस्टिनेशन कहाँ हो सकता है या इसका रूट किधर हो सकता है। तो एक बहुत ही मज़े की बात है, और वो मज़े की बात यह है कि जिस ट्रेन से मैं अभी जा रहा हूँ वो एक स्टॉपेज पे उतरूँगा, ठीक है, और फिर 2-3 दिन बाद ये ट्रेन एक ऐसी जगह जाती है जहाँ मैं फिर से जाऊँगा। तो अगर आप गैस कर सकते हो तो गैस करके कमेंट में बताओ, जो भी गैस कर लिया कि ये ट्रेन जिस लोकेशन पे जा रही है और हम वहाँ पे 2-3 दिन बाद जाने वाले, आपने अगर उस जगह का सही नाम बताया उस इंसान को अपन शॉर्ट आउट देंगे, प्रॉपर नाम लेंगे और बताएंगे कि इन्होंने गैस किया था सही। तो डू ट्राई एंड गैस कि कहाँ जा सकते हैं। तो डिस्प्ले पे तो मुझे नहीं दिखा, मुझे एक्चुअली में प्लेटफॉर्म पे देखना पड़ा कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे है, तो मुझे दिख गया कि ये रही मेरी ट्रेन, अपन आ गए।
चार नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन खड़ी है। अपन चलते हैं अपने बोगी पे और अपनी सीट पे लंबा लेट हो लेते हैं और फिर रिलैक्स करने के बाद थोड़ा वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सफर है और अपने इस ट्रेन को छूटने में अभी भी पूरे 20 मिनट बाकी हैं। तो ज़्यादा नहीं गाइस, अपना 10 घंटे का ही ट्रेवल है और अभी 3 बजे निकलेगी ट्रेन और रात के 1 बजे मुझे मेरे डेस्टिनेशन पर उतार देगी। अपन रात को 1 बजे पहुँच जाएंगे जहाँ अपने को जाना है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ वो जानने के लिए व्लॉग में बने रहें। तो हो गया गाइस, यहाँ तक आते आते मैं थक गया हूँ। मेरी बोगी जस्ट पीछे है, मैंने अपना बैग अपनी सीट पर रख दिया है। अब जाके थोड़ी देर लंबा लेट होऊंगा और आगे का अपडेट आपको धीरे धीरे देते रहूंगा। तो ब्लॉग में पूरा बने रहें। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ट्रेन में घूमना अच्छा लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आती है। देखो मेरी सीट है वो सामने वाली 80 नंबर और मेरे को आते टाइम भी साइड अपर दिए थे और अभी जाते टाइम भी साइड अपर दे दिए, उसमें मैं आता नहीं हूँ ठीक से। तो इस बार मैंने ये वाली सीट पर कब्जा कर लिया है और अभी अपन कर लेते हैं लंच और फिर लंबा लेट होकर सो जाएंगे, क्योंकि अगर पेट भरा रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। और लंच में क्या है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आलू के पराठे पैक कराए थे मैंने, नहीं देखा तो व्लॉग में पीछे जाके देखें, मस्त आलू के पराठे बनाए भैया ने। तो गाइज मैंने अभी ले ली है ऊटनी के दूध की चाय ताकि इसके साथ अपन चिप्स खा पाएँ। शाम हो गई, भूख लग रही है। तो अभी करते करते आराम हो गई है शाम, बजने वाले हैं 7, ट्रेन चल रही है 2 घंटा लेट। तो पता नहीं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, 1 बजे का टाइम तो पहुंचने का लगता है, 2 या 3 बजेंगे। आपको क्या लगता है टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? तो अभी मेरी ट्रेन छूटने वाली थी सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में, ये तो ट्रेन चल रही है लगभग 1.5 या 2 घंटे लेट और मेरा टाइम था रात के 1 बजे पहुँचने का। मैं रात को शायद 2 या 3 बजे तक पहुँचूंगा और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ जयपुर। तो कुछ हो ना हो, एज एक्सपेक्टेड जयपुर रेलवे स्टेशन पे भीड़ बहुत होगी। तो यहाँ से ट्रेन में इतनी भीड़ चढ़ी है कि देख के माथा चकरा गया मेरा। तो माथे को ठीक करने के लिए अपन पी रहे हैं चाय, द इंडियन रेलवे टी, एंजॉय करो कभी भी। तो अपन पहुँच चुके हैं अजमेर और अपनी ट्रेन चल रही है 2 घंटा लेट, तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में भी टाइम लगेगा। 1 बजे की जगह अपन 2:30 या 3 बजे तक पहुँचेंगे, हो सकता है थोड़ा कवर कर ले। तो फाइनली मैं पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन पे, द डेस्टिनेशन इज़ भीलवाड़ा। यहीं से तो गया तो यहीं वापस आऊँगा और किधर जाऊँगा। तो अपन अब जाएंगे घर और सबसे कमाल की बात यह है कि ट्रेन ने पूरा रास्ता कवर कर लिया भाई साहब, जो भी लेट चल रही थी वो एकदम टाइम पे आ गई। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, मिनी व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को, गुड नाइट, स्लीप टाइट। 90 व्लॉग चैलेंज का व्लॉग 86 कंप्लीट, वेलकम बैक टू भीलवाड़ा, गुड नाइट। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर आओ खुद जान जाओ, रात के बज रहे हैं 1:30, अपन घर पहुँच गए हैं तो अभी चलते हैं, अब सो जाते हैं, कल सुबह उठेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको रात को घर वापस आना अच्छा लगता है या दिन में, क्योंकि मेरे को तो किसी भी टाइम आओ अच्छा ही लगता है।